खमासान.com की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम लेकर आए हैं मुजफ्फरनगर के यादव परिवार में जन्मी रूबी यादव की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी सुंदरता का जादू बिखेरा है और इसके साथ ही वो राजनीति में भी परिपूर्ण है। मुजफ्फरनगर के यादव परिवार में जन्मी रूबी यादव न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी सुंदरता का जादू बिखेर चुकी हैं। खूबसूरती के अलावा रूबी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें उनको मिला है इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी शामिल है। रूबी 2013 में मिसेज इंडिया क्वीन थी, यूनिवर्स 2015 वेस्ट एशिया का यूनिवर्सल ब्यूटी पेजेंट और मिसेज यूनिवर्स 2015 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वे विश्व के टॉप 20 सुंदर राजनेताओं में तीसरे स्थान पर आती हैं। इसके साथ ही सामाजिक कार्यों के बीच में ही रूबी यादव ने अपनी तकदीर 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर आजमाई, जिसमें उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा। हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव के 5% वोट के साथ वे चौथे स्थान पर रही, जिनमें उनकी खूबसूरती के काफ़ी चर्चे रहे। लोकसभा चुनाव के बाद वे भाजपा में शामिल हो गईं और दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी का अहम हिस्सा बनी। रूबी को किशोरावस्था से ही सामाजिक जनकल्याण में रुचि थी। उन्होंने 1999 से ही बेहतरीन समाज सेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। मेरठ विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। 2004 में दिल्ली के एक व्यापारी विनय यादव के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। वे युवा और ग्लैमरस नेताओं का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।